गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 में बायोलॉजी विषय में नया टॉपिक लाए हैं, प्रथम संतति पीढ़ी और द्वितीय संतत पीढ़ी यानी यफ1 पीढ़ी और यफ2 पीढ़ी में अंतर। तो देखिए क्या होता है, प्रथम संतति पीढ़ी यानी यफ1 पीढ़ी की वह संतति जो दो जैविक रूप से भिन्न दो जनकों के मध्य संकरण कराने पर उत्पन्न हो, प्रथम संतति पीढ़ी कहलाती है। तो कैसी हो कि जो जनक जो हो और दोनों जननों में जेनेटिक समानताएं ना हो, दोनों जेनेटिक समानताओं में जो है भिन्नता प्रदर्शित करते हो, जैसे एक नर हो और दूसरा मादा हो यानी पुरुष और महिला, इसी प्रकार जंतुओं में भी एक नर और एक मादा। तो दोनों के जनक जब असमान हो जैविक रूप से और उनके बीच जो संकरण कराया जाएगा, तो जो पहली पीढ़ी आएगी जो उसकी संतति उत्पन्न होगी वो प्रथम संतति यानी यफ1 पीढ़ी कहलाएगी। और इसी प्रकार द्वितीय संतति यानी यफ2 पीढ़ी, तो द्वितीय संतति या यफ2 पीढ़ी क्या होती है, वह संतति जो यफ1 संतति के जीवों के मध्य यानी जो पहली पीढ़ी कराई थी इसी से जो संतान उत्पन्न हुई थी और उन्हीं संतानों से स्वपरागण कराया गया, यानी यफ2 पीढ़ी की संतति के मध्य स्वपरागण कराया गया और यफ2 पीढ़ी की संतानों की जो संतानें उत्पन्न हुई वो संतानें द्वितीय पीढ़ी की या द्वितीय संतति कहलाती है। देखिए वह संतति जो यफ1 संतति के जीवों के मध्य स्वसंकरण से उत्पन्न हो द्वितीय संतति पीढ़ी कहलाती है, यानी जो यफ1 पीढ़ी की संतानें पैदा हुई थी उन्हीं के बीच संकरण कराया गया और संकरण कराने से जो नई संतति उत्पन्न हुई वो पीढ़ी यानी कैसी कहलाई, द्वितीय पीढ़ी या यफ2 पीढ़ी कहलाती है। इन दोनों परिभाषाओं को आइए उदाहरण से समझते हैं जिससे आसानी से समझ में आएगा। क्या होता है उदाहरण में, यहाँ पर हमने उदाहरण में शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा लिया है और इससे समझ में आएगा यफ1 पीढ़ी और एफ2 पीढ़ी। देखिए शुद्ध लंबे पौधे यानी कैपिटल TT और शुद्ध बौने पौधे स्मॉल TT के साथ संकरण कराने पर यफ1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, यानी दोनों जनक कैसे थे, जननिक भिन्नताएं थी यानी एक लंबा पौधा था और दूसरा शुद्ध बौना पौधा था, और जिससे यफ1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, यानी जो ये सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए ये प्रथम संतति या यफ1 पीढ़ी कहलाते हैं। और यफ1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों का स्वपरागण कराने पर यानी जो यफ1 पीढ़ी में प्राप्त हुए थे लंबे पौधे इन्हीं का स्वपरागण जब कराया गया तो यफ2 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे प्राप्त होते हैं। तो जो ये यफ2 पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में लंबे और बौने प्राप्त हुए ये यफ2 संतति या यफ2 पीढ़ी कहलाते हैं। उदाहरण में देखिए शुद्ध लंबा पौधा शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल TT, शुद्ध बौना पौधा स्मॉल TT। अब इन दोनों के बीच संकरण कराया गया, शुद्ध लंबे पौधे के जीन्स कैपिटल TT और शुद्ध बौने पौधे के जीन्स स्मॉल TT लिए। अब दोनों के जब संकरण कराया या दोनों के बीच संयोजन कराया तो देखिए क्या शुद्ध लंबे की युग्मक यहाँ रखे, शुद्ध बौने की युग्मक यहाँ रखे, तो दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो कैपिटल TT, small T, capital T, small T, capital T, small T यानी प्रभाविता के नियम के अनुसार सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए और ये जनक कैसे थे, दोनों जनक के जननिक असमानताएं थी यानी एक लंबा था एक बौना था। तो जो ये पीढ़ी प्राप्त हुई है चारों संतति लंबी उत्पन्न हुई ये पीढ़ी आपकी कहलाई यफ1 पीढ़ी या प्रथम संतति। और इसके द्वारा ही प्रथम संतति में कैपिटल T स्मॉल T प्राप्त हुआ जी, तो
तो कैप्टन जी स्मार्ट जो जींस था ये सभी लंबे पौधे थे और इसी जींस का जब पुनः स्वपरागण कराया गया तो ये क्या होता है, यानी ये कैप्टन जी स्मार्ट की युग्मक अलग रखी है, यहाँ भी युग्मक अलग रखी है। अब दोनों का संकरण कराया तो कैप्टन जी स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ, जिसमें कैप्टन टी जी यदि शुद्ध लंबा, कैप्टन टी स्मॉल टी शुद्ध लंबा, कैप्टन टी स्मॉल टी नहीं है संकर लंबा, कैप्टन टी स्मॉल टी और यदि कैप्टन टी स्मॉल टी संकर लंबा और स्मॉल टी शुद्ध बौना, तो हम कह सकते हैं कि यक्तु पीढ़ी में प्राप्त संतति का स्वपरागण कराने पर लंबे व बौने पौधे प्राप्त हुए, और जो ये लंबे और बौने पौधे प्राप्त हुए तो वो पीढ़ी क्या हो गई, यक्तु पीढ़ी हो गई, और लंबे और बौने पौधे यक्तु संतति हो गए या द्वितीय संतति पीढ़ी कहलाते हैं। तो समझ में आया कि जो पहले यानी जननिक रूप से भिन्न दो जनकों के बीच क्रॉस कराने पर जो संतति प्राप्त हुई वो यौवन पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी या प्रथम संतति पीढ़ी, और वही यौवन पीढ़ी से प्राप्त पौधों या यौवन पीढ़ी से प्राप्त संतति का स्वपरागण कराने पर जो द्वितीय पीढ़ी आई और इसमें जो संतति प्राप्त हुई वो द्वितीय संतति पीढ़ी और जो दूसरी पीढ़ी आई उसे यक्तु पीढ़ी कहते हैं या सेकंड जनरेशन कहते हैं। इस प्रकार प्रथम संतति और द्वितीय संतति समाप्त हुआ।